ममता हुई शर्मसार, कलेजे के टुकड़े को बहते नहर के पानी में फेंक, महिला हुई फरार। लोरमी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना निकल कर सामने आई है, जहां एक अज्ञात महिला ने करीब 3-4 वर्ष की मानसिक रूप से विक्षिप्त अपनी बच्ची को बहते नहर के पानी में फेंक कर फरार हो गई, जिसे खेत में काम कर रहे 3 युवकों ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को सकुशल निकाला गया, जिसके बाद घटना की जानकारी लोरमी थाना प्रभारी को दी गई। वहीं युवकों के द्वारा बच्ची को नहर से निकालने के बाद गोड़खामी के उप सरपंच के पास लाया गया, जहां घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों के द्वारा बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए लोरमी सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं लोरमी पुलिस के द्वारा उक्त अज्ञात महिला की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब वो अपने खेत में काम कर रहा था तो एक महिला बच्ची को नहर में फेंक कर भाग निकली, जिसे वो देख नहीं पाया। आनंद फानन में हमारे द्वारा बच्ची को नहर से निकाला गया। मैं खेत में काम करत रहे तो एक झन महिला आई से नहर में, एक झन लड़की मेल के चल दी से, तो स्कार्फ पहने रही तो नहीं देख पाए हो, तो फिर में वो लाए नहर ले निकाल के तहे में ले बैठा रहे, ओकर बाद सरपंच मन हॉस्पिटल ले गई। कौन मेरे के नहर में बात है? ये दे बंगला रेस्ट हाउस के पास। ओला निकाले 3 जन है। और महिला कदी और भागी? महिला बहुत तरह को भागी। और देखे तो चिन्हा तो बा? चिन्हे नहीं है, हम स्कार्फ पहने रही। थाना में तो सोहन साहब। बच्ची का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को अभी ऑक्सीजन में रखा गया है, अभी उसकी स्थिति सामान्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लगभग 9:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है ना। बच्ची को तुरंत जो है वहाँ से हमारे यहाँ जो है 15-20 मिनट के अंदर ले गया है। परिजनों से पूछने पे, ग्रामीणों से पूछने पे पता ये चला गया है कि किसी अज्ञात महिला के द्वारा बच्ची को, जिसकी उम्र लगभग 3-4 साल है, उसको जो है नहर में फेंका गया, जिसके तुरंत पश्चात वहाँ के जो ग्रामीणों के द्वारा उसको उठा के हॉस्पिटल लाया गया। जब हॉस्पिटल लाया गया उस समय करीब 10:30 के आसपास, 10:20-10:30 के आसपास हुआ था। उस समय जो गुड़िया है थोड़ा सा बेचैन थी, और बाकी उनको हम ऑक्सीजन में रखे हैं, उनकी कंडीशन जो है स्टेबल है। कुछ अपने बारे में बता पा रही है? नहीं, बच्ची तो अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही है, बच्ची थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर लग रही है। वहीं लोरमी थाना प्रभारी के द्वारा घटना की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे दी गई है, जिसके बाद कमेटी के सदस्य लोरमी अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची के उपचार के पश्चात लीगल प्रोसीजर कर बच्ची को सुरक्षित स्थान पर रखने की बात कही। जी सर, वो बच्ची का सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन जो टीम है यहाँ पे पहुँची है हॉस्पिटल में, और जानकारी के मुताबिक जो है बच्ची का अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा नहर में फेंक दिया गया था। उसके बाद बच्ची का जो लीगल प्रोसेस है वो हमारे द्वारा चाइल्ड लाइन टीम द्वारा भी किया जाएगा। तो क्या बच्ची को उपचार के बाद उसको कस्टडी में रखी गई, कोई बताया जाएगा? जी सर, बच्ची के स्वस्थ होते ही इसको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्या? मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण सोनवानी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हो गई जो कि एक माँ को अपने जिगर के टुकड़े को बेदर्दी पूर्वक फेंकने पड़े। यह तो महिला के मिलने के बाद ही खुलासा होगी। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, CG Vision TV।